अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है मेथी के पराठे। तो किसी ने हमें कमेंट किया कि आप मेथी के पराठे बनाना बताइए, तो इसी वजह से हम ये रेसिपी लेकर आए हैं। ये सुबह नाश्ते में आप दही शक्कर के साथ इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर हमने 2 मुट्ठी मेथी ली है, जिसे धुलकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमने 4 से 5 कलियाँ लहसुन के ली हैं और इन्हें कूट लेंगे। आप इसे पीस भी सकती हैं। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर हमारा लहसुन देखिए कूट चुका है। अब इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे जिसमें हमने 3 कप के करीब गेहूं का आटा डाला है, और आटे के डालने के बाद इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है और 1/2 टीस्पून मिर्च यानी लाल मिर्च पाउडर डाला है। आप हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके बाद कुटा हुआ लहसुन हम डालेंगे और इसमें 1 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं, कम ज़्यादा। और बस इसमें हमें मेथी डाल देना है। तो ये हमने मेथी को कट कर लिया है और इसे डालकर अब हम नॉर्मल जिस तरह चपाती का आटा गूंदते हैं, बस उसी तरह हमें इसे गूंद लेना है धीरे धीरे पानी डालकर। इन सभी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिला देंगे, उसके बाद इसे हम गूंद लेंगे आटे की तरह। और जब हमारा चपाती की तरह डो तैयार हो जाएगा तब हम इसके पराठे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद रहे हैं, और ध्यान रहे कि हमें ज़्यादा पानी इसमें एकदम से नहीं डालना, क्योंकि मेथी हमारी गीली थी, इस वजह से हम थोड़ा ही थोड़ा पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसमें हल्का तेल हम लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि हमारा जो आटा है ये मुलायम हो जाए। तो हम थोड़ा सा तेल लगाकर इसे 2-4 पंच लगाकर इसे बंद करके रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए इन्हें पराठे बनाते हैं इनके। तो पहले आप जिस तरह हम रोटियां बनाते हैं उतना ही आटा लेकर इस तरह गोल गोल करके हमें पेड़े की शक्ल में बना लेना है। और इसके बाद नॉर्मल चपाती की तरह हम खुश्की लगाकर यानी आटा डालकर इसे बेलेंगे। तो ये देखिए आप वीडियो में दिख रहा होगा आपको कि हम किस तरह बेल रहे हैं, और बस हमें इसी तरह चपाती की तरह हल्के हाथों से गोल गोल बेल लेना है इसे। और जब ये गोल साइज़ में आ जाए तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकती हैं, घी भी यूज़ कर सकती हैं जो आपको पसंद हो, देसी घी का भी इस्तेमाल इसमें कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो ये सरसों का तेल है, हमारे घर में सरसों का ही तेल खाया जाता है। तो बस इस तरह हम पहले तेल डालेंगे, उसमें थोड़ा सी आटा डालकर पूरे पराठे में इस तरीके से फैलाकर हमें मोड़ देना है। और बस 4 कोने का जब बन जाएगा तो चारों तरफ से हमें इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये देख सकती हैं अब चारों तरफ से हमें इसे दबा देना है। आप इसे गोल भी बना सकती हैं नॉर्मल चपाती की तरह, लेकिन मैं इसे पराठे की शक्ल में बनाऊंगी क्योंकि मेथी के पराठे हैं तो पराठे की तरह ही बनाने चाहिए। तो बस इसे अब हम बेल लेंगे, और जिस तरह हम पराठे सेकते हैं उसी तरीके से इन्हें सेक लेंगे। तो ध्यान रहे हल्के हाथों से हमें बेलना है। ये देख सकती हैं आप, तो यहाँ पर हमारा पराठा बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे पकाते हैं। तो फ्राई पैन
हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम इसे डाल देंगे और मीडियम आंच पे इसे पकाएंगे। तो ध्यान रहे कि फ्लेम हमारी ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम में ही आप पराठे पकाएं, ताकि हमारे पराठे जो हैं पकने के बाद अच्छे से क्रिस्पी निकलें। हाई फ्लेम में आप पकाएंगी तो आपके पराठे जल्दी से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो वो फिर क्रिस्पी नहीं होते हैं। आप हल्के आंच में ही पकाएं। तो यहाँ पर हमारा पराठा एक तैयार हो गया है। अब हम दूसरा भी पराठा इसमें सेक कर दिखाएंगे कि किस तरह हमने सेका। तो यहाँ पर हमने इसे पलट दिया और अब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल यानी सरसों का ऑयल डालेंगे। आप घी से भी इसे फ्राई कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा तेल इसमें लगाना है और फिर ऊपर से भी थोड़ा तेल लगा देंगे और बस इसी तरीके से हम अपने सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। ये पराठे आप दही के साथ सर्व करें या खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व करें, इमली की चटनी हो या टमाटर केचप के साथ, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर हमारा पराठा बनकर तैयार हो चुका है, ये देख सकती हैं आप। और हमने इसे एकदम धीमी आंच में पकाया है ताकि हमारे पराठे जो हैं एकदम करारे क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो रेसिपी हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।